नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। मुस्लिमों को संदेह से देखा तो कश्मीर खो देगा भारत, फारूक अब्दुल्ला। पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर देश के मुसलमानों को संदेह से देखने वाली और अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के खिलाफ पेश करने वाली ताकतों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो भारत कश्मीर को साथ नहीं रख पाएगा। अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं से कहा कि भारत में ऐसा तूफान खड़ा किया जाता है जो खतरे की घंटी है। अगर हम इसे नहीं समझते, अगर हम हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना जारी रखते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि वे कश्मीर को साथ नहीं रख सकते। ये सच्चाई है, चाहे आप इसे पसंद करते हो या नहीं। उन्होंने कहा कि मुसलमान देश के दुश्मन नहीं, लेकिन उनको अब भी संदेह की नजर से देखा जाता है। भाजपा मेरी पहली और आखिरी पार्टी, शत्रुघ्न सिन्हा। असंतुष्ट भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि भाजपा उनकी पहली और आखिरी पार्टी है। उन्होंने बिहार के पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें पार्टी मामलों की आलोचना करने के कारण पार्टी छोड़ने की सलाह देने के लिए निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उनके मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी सम्मान है। उन्होंने कहा कि ये सब कौन लोग कर रहे हैं, वही लोग जो बिहार में मिली शर्मनाक हार के लिए जिम्मेदार हैं, जो खुद बाहर जाने की राह पर हैं, जो अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचे हैं, वे केवल अपनी हताशा जाहिर कर रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि इन नेताओं को पहले अपनी साख पर ध्यान देना चाहिए। संजय दत्त जेल से रिहा। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजय दत्त आर्म्स एक्ट मामले में अपनी सजा पूरी करने के बाद गुरुवार सुबह पुणे की यरवदा जेल से रिहा हो गए। संजय मुंबई सीरियल धमाकों में अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए थे। फिल्मों में सभी का दिल जीतने वाले संजय को अपने अच्छे व्यवहार के कारण सजा के 105 दिन पहले ही रिहा कर दिया गया। जेल से निकलते वक्त उन्होंने जमीन छूकर प्रणाम किया और जेल में लगे तिरंगे को सलाम किया। 56 वर्षीय संजय सुबह 8:37 पर जेल से बाहर आए। जेल से निकलते वक्त उनके हाथ में एक बैग था और दूसरे हाथ में कुछ फाइलें थी।